आपने आमतौर पे इस तरह के बटरफ्लाई को देखा होगा, मगर कभी ऐसे बटरफ्लाई को देखा है जिसका नाम 9889 है? देखिए स्क्रीन पर है। आपने आमतौर पे नॉर्मल सी बुक्स को देखा होगा, मगर आपने कभी ऐसी बुक्स को देखा है जिसे शैतान का बाइबल कहा जाता है? वो 3 फीट लंबी और 2 फीट मोटी है। आप इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स को जानोगे। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। फैक्ट नंबर 20, आपको तो पता है कि आज के टाइम में हम 2400 घंटे पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। बैंक तो बंद हो जाता पर एटीएम जो है वो 2400 घंटे ऑन रहता है। मगर आपको पता है एटीएम का आविष्कार किसने किया और कब हुआ? आइए चलते हैं फैक्ट की तरफ। एटीएम को जॉन सेफर्ड बैरन ने 1967 में बनाया था। दरअसल जॉन सेफर्ड बैरन एक दिन बैंक गए पैसे निकालने। वो 1 मिनट की देरी से पहुंचने के कारण उनका बैंक बंद हो गया था। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसे 2400 घंटे पैसे निकाले जा सके। तब उन्होंने एटीएम का आविष्कार किया और वो सक्सेस रहे। एक दिन उनकी पत्नी एटीएम पहुंची और उसे 6 अंक का पिन याद ही नहीं रहता था। इसी कारण जॉन सेफर्ड बैरन ने उसे 4 अंक का कर दिया। आज भी हम जो पिन नंबर याद करते हैं वो 4 अंक का ही होता है। फैक्ट नंबर 19, आपको पता है टूथपेस्ट की हर ट्यूब, गोंद की बोतल और केचप के कंटेंट को 15% हिस्सा केवल इसीलिए फेंक दिया जाता है क्योंकि हम बचे हुए हिस्से को बाहर नहीं निकाल पाते। फैक्ट नंबर 18, क्या आप क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास को जानते हैं जो एक व्यापारी के डोनेशन से शुरू हुआ था? आइए जानते हैं इसका फैक्ट। को तो यही लगता होगा पुरुष वर्ल्ड कप का इतिहास 44 साल पुराना है, अगर आपको ये नहीं पता कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत महिलाओं से हुई थी। 20 जुलाई 1973 को पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था जिसे इंग्लैंड की महिला टीम ने जीता। तब इस टूर्नामेंट में 7 टीम ने हिस्सा लिया था। इसके लिए इंग्लैंड के कारोबार जैक हैवर्ड ने 40,000 पाउंड डोनेट किया। इस फैक्ट में एक लाइक तो बनता है, कर दो यार, सोचो मत। फैक्ट नंबर 17, आपने कभी नोटिस किया है पता एप्पल पानी में तैरता है? जैसे कि कागज का नाव पानी में तैरता है ना, उसी तरह एप्पल पानी में तैरता है इस वजह से क्योंकि उसमें 25% तक हवा होती है, इसी कारण वो पानी में तैरता है। फैक्ट नंबर 16, आपने टाइटैनिक के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी, उसकी मूवी भी देखी होगी, पर आपको पता है टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज होने के बावजूद उसमें एक भी दूरबीन नहीं था। फैक्ट नंबर 15, आपको तो पता ही होगा भारत में कई लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है कुछ ना कुछ कला दिखा कर। मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ आज। भारत के राम सिंह चौहान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इनकी मूंछ दुनिया की सबसे लंबी मूंछ है। उनकी मूंछ की लंबाई 4.29 मीटर या 14 फीट। फैक्ट नंबर 14, तो पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 15 अगस्त मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस, कि हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया था इस कारण से स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां कभी स्वतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि नेपाल कभी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। फैक्ट नंबर 13, आज की दुनिया में मोबाइल फोन की जरूरत सबको है, तो बड़े नेताओं का काम बिना मोबाइल फोन के कैसे होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ब्लैकबेरी फोन का इस्तेमाल करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभियान के दौरान आईफोन से सेल्फी लेते हुए देखा गया था। और भी कई नेता फोन का इस्तेमाल करते हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति शायद दुनिया के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है। आमतौर पर वह लैंडलाइन का इस्तेमाल करते हैं और अगर चलते चलते बात करना है तो अपने किसी सहयोगी का फोन लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं। ओसामा बिन लादेन को अपने पिताजी की डेथ के बाद $25 मिलियन मिला था, देख सकते हो आप इंडियन करेंसी में। फैक्ट नंबर 12, अस्थमा और पेट की बीमारी को दूर करने के लिए सौंफ काफी मात्रा में अच्छा है। भारत के घरों और होटलों में अक्सर खाना खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। अचार सब्जी की खाने को पचाने के लिए सौंफ काम करता है क्योंकि इसमें मौजूद पोषण तत्व पेट के साथ साथ कई अंगों पे असर डालते हैं। इसमें कैल्शियम, सोडियम और आयरन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन जैसे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, आपने काफी सारी बटरफ्लाई को देखा होगा, मगर जिस बटरफ्लाई के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसे आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम इसके पंखों के डिजाइन के नाम पर रखा गया है। इसकी एक प्रजाति है जिसे 89 और 98 के नाम से जाना जाता है। इस तितली के पंखों पे 89 एक तरफ और एक तरफ 98 लिखा हुआ है। फैक्ट नंबर 10, हर सामान्य व्यक्ति रात को 3 से 5 के बीच सपना देखता है और ज्यादातर सपने वो तुरंत भूल जाता है। फैक्ट नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत सबसे आगे है। एक नज़र उन इलाकों पे जहां भारत जबरदस्त प्रदर्शन करता है। नंबर 1 पे दाल का उत्पादन, नंबर 1 पे दूध का उत्पादन, जूट उत्पादन नंबर 1, गेहूं का उत्पादन नंबर 2,
कपास उत्पादन नंबर टू, मूंगफली उत्पादन नंबर टू, गन्ना उत्पादन नंबर टू, फल और सब्जी का उत्पादन नंबर टू। फैक्ट नंबर 8, आपने 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए का नोट दिखा होगा, कभी आपने 2.5 रुपए का नोट देखा है? चलिए दिखाता हूँ। 2.5 रुपए के नोट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि कभी 2.5 रुपए का नोट भी चला था। नोट आज से 100 साल पहले 22 जनवरी 1918 को जारी हुआ था। 1 जनवरी 1926 को यह नोट बंद कर दिया गया। यह नोट सिर्फ 8 साल ही चला। इसे बहुत कम दिखे जाने वाला नोट माना जाता है। आज इसकी कीमत 7 लाख रुपए है। उस समय यह $1 के बराबर था। नोट रंगन और म्यांमार से प्रचलित था। एक्चुअल में यह नोट 2.08 रुपए है। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है प्राचीन भारत में कागज के पैसे की जगह सिक्के चलते थे। ये सिक्के तांबे, चांदी और सोने के होते थे। हमारे पास जो प्राचीन भारत के सिक्के हैं उनमें से ज्यादातर खुदाई में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपको पता है वैलेंटाइन डे पर फूल खरीदने वाले लोगों में 73% पुरुष होते हैं, जबकि 27% महिलाएं फूल खरीदती हैं। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है पैराशूट का आविष्कार हवाई जहाज के पहले से हो गया था। पैराशूट के आविष्कारक का नाम है लुइस एस लेनोमार्ड। फैक्ट नंबर 4, मशरूम के बारे में तो जानते होंगे, मगर आपको पता है प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मशरूम जादू से उगता है। फैक्ट नंबर 3, वो तो पता ही होगा कांदा काटते वक्त हर इंसान रोने लगता है, मगर पता है क्यों? नहीं तो चले जानते इस फैक्ट में, क्योंकि वो रासायनिक अड़चन पैदा करता है जिसे सीन प्रोपैंथियल एस ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लैक्रिमल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, इसी कारण हमारे आंखों में आंसू आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कांदा काटते वक्त आंखों में आंसू क्यों आते, तो आप ये वीडियो से दिखा देना। फैक्ट नंबर 2, प्राचीन ग्रीस में बेल्जियम बुल नामक एक यातायात था। मूल रूप से तांबे और जस्ते से बना एक खोखला बैल है। इसमें अपराधियों को दंड देने के लिए अंदर बंद कर दिया जाता था और उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। इसे तब तक गर्म किया जाता था जब तक अंदर बैठा शख्स भून नहीं जाता था। बहुत अजीबोगरीब सजा दी जाती थी यार। फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। सबसे जरूर बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एक किताब है डेविल्स बाइबल, जो कि 800 साल से जब भी ज्यादा पुराना है। ये किताब स्क्रीन पे आप देख सकते हो, 3 फीट लंबी और 2 फीट मोटी है। इसे शैतान के बाइबल के रूप में जाना जाता है, डेविल्स बाइबल। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना सबके साथ खुल के, कि सबको ये नॉलेज मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।